Hey everyone, welcome back to channel Mission CAPF Hub. So today we will be discussing chapter 10 of class 9th NCERT. So we are into a physics section. Physics ka hamara section abhi ek do chapter ke baad khatam ho jayega. So I recommend and suggest you to complete chemistry and biology part that we have covered in our previous chapters. देखिए NCERT का करने का कितना बेनिफिट होता है. आपने अभी रिसेंटली जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है CAC का, वहाँ सबको पता लग गया होगा. जिसने NCERT की थी उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, और जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे उसने स्कोर भी किया होगा, मार्क्स अच्छे अच्छा स्कोर किया होगा. तो देखिए इसीलिए NCERT हार्डली करिए, ठीक है. हम आपकी हेल्प करने को यहाँ पे हमेशा रेडी हैं. बाकी आप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कीजिए, वीडियोज़ को देखिए, जहाँ पे आपको डाउट्स होता है आप डाउट्स के लिए पूछ सकते हो. बाकी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल का नाम आपको पता ही है, चैनल हमारा मिशन CAPF है. देखिए अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पर जो बच्चे एक्टिव हैं उन्होंने देखा होगा कि जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ये CAPF 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है. ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है. तो अभी देखिए मैपिंग सीरीज हमारी चल रही है, जो हमारा प्लस बैच है उसके ऊपर मैपिंग सीरीज चल रही है. तो उसके ऊपर आप मैप्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ सबको पता लग जाएगा. और देखिए बाकी ये CAC 2016 का क्वेश्चन है, ये हंगर इंडेक्स के ऊपर है, और हमने अभी हंगर इंडेक्स के ऊपर ये टॉपिक कवर किया था अपने चैनल के ऊपर. तो देखिए हम हमेशा वही टॉपिक्स पोस्ट करते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, वो वही कंटेंट देते हैं जो आपको आगे जाके मिल सकता है. ऐसा नहीं देते जिससे आपको आपको आगे जाके फ्रूटफुल ना हो, बिकॉज आपको पता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम का. तो अगर आप सेलेक्टिव पढ़ें, स्मार्ट वर्क करें तो ज़्यादा ही ज़्यादा बेटर होगा. तो लेट्स मूव ऑन टू अवर चैप्टर. बिफोर वी स्टार्ट अवर चैप्टर आई वॉन्ट यू गाइज टू सी दिस मोटिवेशनल कोट. सो इट स्टेट्स दैट इट्स ओके टू बी अ ग्लो स्टिक, समटाइम्स वी हैव टू ब्रेक बिफोर वी शाइन. तो ये मोटिवेशनल कोट उन सब के बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं गिव अप करने की, या फिर कहीं ना कहीं वो मेंटली गिव अप कर चुके हैं या कर रहे हैं. बिकॉज देखिए आपने इस कोट को समझ गए होंगे क्या क्या कह रहा है. वो कह रहा है कि कभी कभी ग्लो स्टिक बनना जरूरी होता है, बिकॉज ग्लो स्टिक आपको पता है से टूट जाती है इससे, तो जलने से पहले वो टूटती है. तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि कभी कभार शाइन करने से पहले आप ब्रेक भी होंगे. जब आप कुछ सक्सेसफुल बन जाओगे या फिर कोई एग्जाम क्रैक कर लोगे, उससे पहले जो आपने सेक्रीफाइसेस दिए हैं अपने, ठीक है, वो आपका क्या है, वो ब्रेक डाउन पीरियड है. तो वो पास करना पड़ेगा. गिव अप मत करिए अपने ड्रीम्स के ऊपर, वर्क करते रहिए. तो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को. चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन. तो देखिए ग्रेविटेशन क्या है. ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, ठीक है, जो कि क्या बोलता है, ये हमें ये बोलता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है दुनिया के अंदर, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, वो एक दूसरे को अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है. तो ये एक फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशन, ठीक है. ये फोर्स ये बताता है कि अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो जो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिंग फोर्स होगा ना, वो डिपेंडेंट होगा डायरेक्टली उनके मासेस के ऊपर. जितना ज़्यादा उनका मास होगा उतनी वो ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जितना मास कम होगा उतना ही वो वीकली अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मास के ऊपर डिपेंडेंट फोर्स, ये जो फोर्स है ये मास के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है. ये यूनिवर्स में हर चीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं, फिर यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है. तो देखिए जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना कम मास उतना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब देखिए दूसरी चीज जिस पर डिपेंड करते हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन देम, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. जितना इनके बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक है, जितने ज्यादा दूर होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जितने पास होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है. सो दिस इज ग्रेविटेशन एंड इट इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वाई यूनिवर्सल? बिकॉज इट इज एप्लीकेबल इन होल ऑफ यूनिवर्स. ओके, तो ये आप याद रखिएगा, इस फोर्स के लिए फॉर्मूला है फाइंड करने के लिए ग्रेविटेशन के लिए. अगर कभी इनकेस आ जाता है इनकेस, तो आप ये यूज कर सकते हो. फॉर्मूला को कभी आप क्रैम मत करिए, आप समझिए. जैसे मैंने आपको बताया कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, उतनी तेजी से चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी. जितनी दूर होंगी उतना वीक फोर्स होता है, फोर्स उतना वीक होता जाएगा, ठीक है. तो बस डिस्टेंस को इन्वर्सली रख लीजिए, मास को डायरेक्टली रख लीजिए, ठीक है. और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए
बीच में कांस्टेंट रख लीजिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब देखिए आगे चलते हैं। ये तीन कैपलर लॉज थे जिसके बारे में कैपलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि एक प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है, ठीक है, इलेप्टिकल पाथ में करेगा प्लैनेट। और जैसे ये मान लीजिए ये ओ सेंटर मान लीजिए, ठीक है, ये इसका फोकाई मान लीजिए, फोकाई मतलब सेंटर कह सकते हो, फोकस पॉइंट, ठीक है, इसको लेके इलेप्टिकल पाथ पे प्लैनेट्स मूव करेंगे, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब कि वो लाइन जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये ओबी डिस्टेंस है, ठीक है, ओबी डिस्टेंस जितना इस प्लैनेट ने अभी कवर किया है, ठीक है, बाद में भी वो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा आने वाले टाइम में, ठीक है, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम अब लगा इस प्लैनेट को, इतना ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस प्लैनेट को बाद में भी सेम टाइम लगेगा, ठीक है। थर्ड लॉ बोलता है कि द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पाथ, मतलब देखिए अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये बताता है कि जितना पास होगा प्लैनेट उतनी जल्दी ऑर्बिट कर लेगा, जितना दूर होगा उतना ऑर्बिट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तीन लॉस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है, ये फोर्स हमको बांध के रखता है, ठीक है, अर्थ से हम इसी की वजह से अपने ग्राउंड है उसके ऊपर स्टिक कर पाते हैं। सेकेंड इज द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड इसी फोर्स की वजह से रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये अपना जो ऑर्बिट है मून वो भी इसीलिए नहीं छोड़ता क्योंकि मून को अर्थ से ग्रेविटेशन फोर्स ने बाइंड कर रखे हैं। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, दिस इज बिकॉज ऑफ द सेम फोर्स द ग्रेविटेशन फोर्स। द टाइज ड्यू टू दिस मून एंड सन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, CDS में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जो टाइड्स होते हैं उनका रीजन क्या होता है, ठीक है, जो हमारे टाइड्स होते हैं मतलब लहरें आती हैं ओशन के अंदर उसका कॉज क्या होता है। अब देखिए आता है नेक्स्ट टॉपिक फ्री फॉल। तो देखिए फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, देखिए फ्री फॉल ये बोल रखा है इसने, यहाँ पे बता रखा है कि वेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड द अर्थ, ठीक है, अंडर दिस फोर्स अलोन, दिस फोर्स यहाँ पे ग्रेविटी की बात की गई है, ठीक है, वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल, मतलब कि जब भी कोई चीज फॉल कर रही है, ठीक है, आप किसी भी हाइट से किसी कोई चीज को आप घेरो या फिर वो फॉल कर रही है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशन, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर हो और कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर रहा हो, ठीक है, तो उसको हम फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। फ्री फॉल में आप ये मत समझिएगा कि उसके ऊपर कोई भी कंट्रोलिंग बॉडी नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, उसके अलावा कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा। अब देखिए गिरते टाइम क्या होता है कि उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वो सीधे से गिरेगा, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ऐसे इलेप्टिकल पाथ में आके गिरेगा, ठीक है, हमेशा पाथ उसका स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का वो चेंज होगा, मतलब कि जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो हो सकता है जैसे आपने देखा है कि जैसे अर्थ के अंदर कोई एस्टेरॉयड आता है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है और जैसे हमारे एटमोसफेयर के अंदर आता है स्पीड थोड़ी कम होती है उसकी, क्योंकि वहां पे एटमोसफेयर के अंदर गैसेस है जो उसको हिंड्रेस उसको स्पीड को रोकती है, रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करती है, जैसे वो एटमोसफेयर को क्रॉस कर लेता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ऐसी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि एटमोसफेयर कितना थिक है, थिन है, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन में चेंज मिलेगा, ठीक है। जब भी देखिए कोई भी चीज अर्थ के अंदर गिरती है, ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन उसके अंदर हमेशा इन्वॉल्व रहती है, इसी एक्सेलरेशन को जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होती है, ये जो एक्सेलरेशन मिली है इसको, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, जब ग्रेविटेशन की वजह से वो एक्सेलरेशन मिलती है तब हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से मिली हुई एक्सेलरेशन, ठीक है। उसका साइन क्या होता है, स्मॉल जी होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी वैल्यू देखें
तो इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि कोई अगर ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एंड उसको एक्सेलरेशन मिल रही है, ठीक है, तो वो इस स्पीड से नीचे आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज अप्रोक्स वैल्यू, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, अब देखिए हम ये देखते हैं, आपको देखो एक बात पता है कि अर्थ एक पूरा स्फेयर नहीं है, ठीक है, वो कैसा है, वो अपने पोल्स के ऊपर बज्ड है, मतलब कि जहां से पोल्स है ना वहां ऊपर से थोड़ा सा खिंचा हुआ है, ये पोल से मान लीजिए, तो यहां से और यहां से थोड़ा खिंचा हुआ है, यहां से पूरा कर्व नहीं है सीधा, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ बल्ज हो रखा है, ठीक है, तो इसी की वजह से जो अर्थ है उसकी शेप पूरी स्फेयर नहीं है, ठीक है, इसी की वजह से देखिए जो अर्थ है, अर्थ की जो रेडियस है वो पोल्स पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और इक्वेटर पर कम हो जाती है, तो इसी वजह से जो जी हमारा जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, उसकी वैल्यू पोल्स पे ज्यादा रहती है और इक्वेटर पर कम रहती है, मतलब यहाँ वैल्यू ज्यादा मिलेगी यहाँ कम मिलेगी, ठीक है, अर्थ की, सॉरी अर्थ कह रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलेगी आपको सरफेस पर, ठीक है, जो अर्थ का सरफेस है यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है, जैसे आप हाइट पे जाओगे, ठीक है, या डेप्थ पे जाओगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी हमेशा, कभी इंक्रीज नहीं होगी, या तो आप ऊपर जाओ तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए देखिए आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगी, पर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो हमेशा एक्सेलरेशन आपकी रिड्यूस होगी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा आपका पर आपकी एक्सेलरेशन कम होगी, चाहे आप हाइट पे जाओ चाहे आप डेप्थ पे जाओ, दोनों केसेस में आपकी जो एक्सेलरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा जी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा होती है इक्वेटर से और मैक्सिमम सरफेस पर होती है, ठीक है, देखिए इसी बेस पे हम एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पहले एक टॉपिक और बता देता हूँ आपको, एक सॉरी एक बात बता देता हूँ आपको कि जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है अर्थ के अंदर, ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, अपने मास के ऊपर होता है, ठीक है, मतलब कि देखिए यहाँ से बोला कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है आपके फॉल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हॉलो है चाहे वो फिल्ड है किसी चीज से, ठीक है, छोटा है बड़ा है, वो हमेशा सेम रेट पे गिरना चाहिए, पर होता क्या है कि जिसका मास ज्यादा होता है, आपने देखा होगा कि अगर एक लेदर बॉल है और एक प्लास्टिक बॉल है, आप दोनों को ऊपर से फेंको नीचे, तो जो लेदर बॉल है वो नीचे पहले जल्दी आएगी, ठीक है, और प्लास्टिक बॉल नीचे लेट आएगी, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, नहीं सॉरी लास्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा, अभी हम आगे पढ़ेंगे बायोन्सी पढ़ेंगे, बायोन्सी से आपको मैं फिर रिलेट करके बताऊंगा ये चीज कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, कि एक्चुअल में किसी चीज का वेट रिड्यूस कैसे हो जाता है और वेट डिक्रीज या इंक्रीज कैसे होता है, ठीक है, तो देखिए बस अभी आप ये समझ लीजिए कि जितना ज्यादा मास होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा उसको एक्सेलरेशन मिलेगी, जितना कम मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन मिलेगी, ठीक है, तो देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया था उसी के बेस पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें सीपीएफ 2016 में पूछा गया था, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे ही आप एल्टीट्यूड, यहाँ पे ये एटीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड है, ठीक है, जैसे आप एल्टीट्यूड इंक्रीज करोगे, ठीक है, मतलब हाइट इंक्रीज करोगे किसी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की नहीं मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाओगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा, क्योंकि आप ऊपर लेके जा रहे हो उसके ऊपर एटमोस्फेरिक फोर्स लगेगा एक तो, ठीक है, और ग्रेविटी हमेशा उसको नीचे खींचेगी ऊपर खींचेगा, ठीक है, तो इस वजह से हाइट पे और डेप्थ पे दोनों केसेस में क्या होगा आपका जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये कमी होगी, ये बढ़ेगी नहीं, ठीक है, तो वैसे तो आपका जो फर्स्ट वाला है यही सही हो जाता है, ठीक है, आगे देख लेते हैं बाकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डेप्थ, ये गलत है, मैंने आपको भी बताया डेप्थ पे डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड, ये भी गलत है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, ये भी गलत है, इंडिपेंडेंट नहीं होती डिपेंडेंट होती है, मैंने आपको बताया था अभी मास के ऊपर डिपेंडेंट होती है चीजें, ठीक है, आगे देखते हैं और एक दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एंड इट, देखिए मैंने आपको जैसे बताया था सर्फेस पर मैक्सिमम होती है, ठीक है, और फैक्टर्स पूछा है इसमें और क्या होता है, इंक्रीजेज एज वी गो अप, डिक्रीजेज एज वी गो अप, इंक्रीजेज एज वी गो डाउन, नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज एज वी मूव अप और डाउन,
तो देखिए सेम क्वेश्चन है पहले सा, ठीक है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपका, डिक्रीज एज वी गो अप और डाउन, ठीक है। जैसे हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है इससे रिलेटेड तो मैं आपको बता देता हूँ कोई। ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट चैप्टर से था, ये मेरा लास्ट टाइम रहेगा तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई वी गेट थ्रोन बैक विद द जर्क व्हेन द स्टेशनरी बस वी आर सिटिंग इन मूविंग फॉरवर्ड इज गिवन बाय। तो देखो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब भी हम कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि बस में बैठे हुए, हमने इनर्शिया की बात की थी लास्ट टाइम, ठीक है। तो इनर्शिया में क्या था कि जैसे ही हम बैठे होते हैं, बस मूव करती है तो हम पीछे को जाते हैं, ठीक है, और बस रुकती है तो हम आगे को जाते हैं। तो ये कौन से लॉ में मेंशन्ड है? तो देखिए ये चीज हमने पढ़ी थी, ये रिलेटेड है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बात करता है कि कोई चीज जब मूव करती है रुकती है तो उसके लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है, और ये इनर्शिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं अब। देखिए नेक्स्ट चीज है, देखिए मास और वेट, ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए मास और वेट में फर्क क्या होता है, आप ये चीज समझ लीजिए कि जो मास होता है आपका बॉडी के अंदर, जो मास होता है ये क्या होता है, ये होती है एक्चुअल क्वांटिटी पोजेस्ड बाय बॉडी, ठीक है। एक बॉडी के अंदर जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है उसे हम उसका मास बोलते हैं। वेट क्या होता है, वेट इज ए मेजर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वेट डिपेंडेंट होता है ग्रेविटी के ऊपर, जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना वेट होगा। जैसे कि आप देखिए मून पर हमारा जो वेट है वो 1/6 हो जाता है। 1/6 क्यों होता है, क्योंकि मून का मास हमारे अर्थ के 1/6 है, और मून जो मून है उसके ऊपर ग्रेविटी है वो अर्थ के 1/6 है, ठीक है। तो ग्रेविटी 1/6 हो गई तो आपका मास भी 1/6 हो जाता है, ठीक है। और ग्रेविटी इंक्रीज होती है, जैसे जुपिटर पर जाओगे आप तो जुपिटर पर ग्रेविटी ज्यादा है अर्थ से, तो वहां पर आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। जो आपका मास आ रहा है आप उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वेट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मास आपका हमेशा सेम रहेगा, मास कभी आपका इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मास कभी क्रिएट नहीं हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। आपका इंक्रीज या डिक्रीज क्या होता है, वेट होता है, जैसे ग्रेविटी चेंज होती है ग्रेविटी के साथ साथ ये आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। डिपेंडेंट होता है ग्रेविटी के ऊपर और मास के ऊपर, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा उतना ज्यादा वेट, जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा वेट, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो जी की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, किसी एक जगह पे मान लीजिए कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस जगह पे उसका जो जो पर्सन है उसका वेट किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, उसका मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा, मतलब कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वेट, ठीक है। और उस जगह की जितनी ग्रेविटी होगी जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा उसका उसका वेट हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज याद रखिएगा कि मून पर जो वेट होता है वो अर्थ का 1/6 होता है, ठीक है। और वो क्यों होता है, क्योंकि उसका मास 1/6 है और उसका जो प्रेशर, सॉरी, जो उसके ऊपर ग्रेविटी वो भी 1/6 है, ठीक है। देखिए आगे टॉपिक आते हैं, जैसे हम बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, देखिए थ्रस्ट जनरल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं सिंपल वर्ड्स में, तो थ्रस्ट होता है किसी भी पर्सन को या फिर किसी चीज को फोर्स, मतलब सडनली पुश करना या फिर उसको पुल करना, तो मतलब कोई फोर्स लगाना पर सडनली लगाना, ठीक है, एकदम से वायलेंटली किसी के ऊपर किसी को पुश या पुल करना। देखिए ये तो जनरल मीनिंग हो गया, तो इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है साइंटिफिक वे में, तो देखो जैसे आपको पता है कि आप कहीं खड़े हो, ठीक है, तो आप अपने फीट्स पर खड़े हो, तो जो फीट्स हैं आपके वो क्या है, जहाँ आप खड़े हो वहाँ पे वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। वहीं पे ग्रेविटी भी, ग्रेविटेशन भी आपकी बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है, तो जो आपकी बॉडी का वेट है, वेट इज अ फोर्स, ठीक है, तो फोर्स आप कहाँ लगा रहे हो, डाउनवर्ड लगा रहे हो, ठीक है। तो जितना आपकी बॉडी का वेट है, मान लीजिए 50 kg वेट है, तो आप 50 kg का फोर्स लगा रहे हो उस सरफेस के ऊपर, जितने सरफेस आप खड़े हो,
आप सपोज कर लीजिए आप उसी सेम जगह पर लेट गए हो, ठीक है, तो आपका जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट आपका इंक्रीज हो गया, फोर्स तो आपका अभी भी वही है, ठीक है, फोर्स आपका अभी भी वही है, बट चेंज क्या हो गया आपका, वहां पर चेंज हो गया आपका जो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया पर इफेक्ट चेंज हो गया, ठीक है, अब आप ज्यादा एरिया के कॉन्टेक्ट में हो, पहले आप कम एरिया के कॉन्टेक्ट में थे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों केसेस में फोर्स या थ्रस्ट सेम है। थ्रस्ट कैसे एक्ट करता है, थ्रस्ट हमेशा एक्ट करता है परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस के, ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर या फिर नीचे की तरफ ये एक्ट करेगा, ठीक है, तो थ्रस्ट हमेशा डिपेंडेंट होता है एरिया के ऊपर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप दो दो चीजें लो, एक तो आप पेन की निब ले लीजिए, ठीक है, और आप एक ले लीजिए उसके साथ में कोई 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 भी चीज ले सकते हो उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो। सपोज कर लीजिए कि आपने एक प्लास्टिक की बोतल ले ली, ठीक है, आप दोनों को अपने फिंगर पर पिंच करके देखिए, ठीक है, करके देखना मत, पर मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, खुद समझ जाओगे, दोनों को फिंगर पिंच करके देखिए, तो आप देखोगे कि ज्यादा प्रेशर कौन सी चीज पुट कर पा रही है, ज्यादा प्रेशर कौन पुट करेगा, ये पेन की नीब पुट करेगी, ठीक है। तो यहां से देखिए एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आई कि जो थ्रस्ट है एक फोर्स है, ठीक है, और ये फोर्स डिपेंडेंट है एरिया के ऊपर, मतलब जितना कम एरिया होगा, ठीक है, एरिया जितना कम होगा उतना ज्यादा ये फोर्स होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम ही प्रेशर होगा, ठीक है, मतलब प्रेशर कम पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए जैसे हम किसी चीज को हम नेल्स को दीवार के अंदर डालते हैं, तो नेल्स का जो आगे का सरफेस होता है वो बहुत पतला होता है ताकि वो दीवार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पुट कर पाए, वहीं पर अगर मैं उसका सरफेस एरिया आगे से बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, फिर वो इतना प्रेशर पुट नहीं कर पाएगा, और प्रेशर पुट नहीं करेगा तो वो दीवार के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये थ्रस्ट और प्रेशर की एप्लीकेशन है, यहां से आप याद रखिएगा कि प्रेशर होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है थ्रस्ट के ऊपर, ठीक है, जितना ज्यादा थ्रस्ट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, थ्रस्ट को आप फोर्स ही मान सकते हो, ठीक है, तो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, अगर आप किसी चीज को ज्यादा फोर्स से पुट कर रहे हो तो ज्यादा फोर्स वो ज्यादा प्रेशर वो पुट करेगा, और प्रेशर डिपेंडेंट किस पर, डायरेक्टली एरिया पे, ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर, जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर। देखिए वहीं पे एक एग्जांपल ऐसे मान ले, सैंड में आप खड़े हो और एक कैमल है, कैमल इजीली चल पा रहा है, आप नहीं चल पा रहे, तो आप क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि आपके पैरों का जो एरिया है डायरेक्टली जो कॉन्टेक्ट में आ रहा है सैंड के, ठीक है, वो कम है, ठीक है, और इसका ज्यादा है, तो कम होने की वजह से क्या है, क्या हो रहा है कि आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फोर्स ज्यादा लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब थ्रस्ट ज्यादा लग रहा है, थ्रस्ट ज्यादा लगने की वजह से आपके पैर जमीन के अंदर जा रहे हैं और उसके नहीं जाते, ठीक है। अब देखिए प्रेशर इन फ्लूड्स, फ्लूड्स क्या होता है, जो आपकी एयर है या फिर आप कह सकते हो सेमी लिक्विड, ठीक है, जितनी भी गैसेस होती हैं लिक्विड्स होते हैं उनको हम फ्लूड्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक फोर्स होता है बायोन्सी, ठीक है, बायोन्सी को आप अपवर्ड फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा इसको हम अपवर्ड फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, अपवर्ड फोर्स क्यों कहते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा हमेशा कि कोई भी चीज आप मान लीजिए पानी के अंदर आपने एक प्लास्टिक की बॉल डिप करी, वो प्लास्टिक की बॉल ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो जो चीज फ्लोट कर रही है ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ बायोन्सी, ठीक है, बायोन्ड फोर्स होता है जो कहाँ एक्ट करता है, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, जो चीज नीचे आना चाहती है ना वो नीचे आ रही है ग्रेविटी के से, पर एक फोर्स है जो उसको ऊपर के पुश तरफ पुश करता है, उसे कहते हैं बायोन्ड फोर्स, ठीक है। तो इसी के बेस पे एक प्रिंसिपल आया था जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी बॉडी जब उसको हम फुली या पार्शियली सरफेस किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे, ठीक है, तो जितना उसका वेट होगा, मतलब जितना जिस फोर्स से वो उस सरफेस के अंदर जाएगी, ठीक है, पानी का जो सरफेस है जिस फोर्स से जाएगी, ठीक है, फिर मतलब एक्चुअली फोर्स वेट फोर्स होता है, ठीक है, तो जितने वेट से वो सरफेस के ऊपर लगाएगी, सरफेस के नीचे से भी उतना फोर्स उसके ऊपर लगेगा, वर्टिकल फोर्स लगेगा, ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोन्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है, और जो वो एरिया डिस्प्लेस करेगी वो कितना होगा, दैट वुड बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय इट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि कोई भी बॉडी जब भी हम पानी के अंदर लिक्विड के अंदर डालते हैं उसको, तो वो एक अपवर्ड फोर्स को फेस करती है, ठीक
वो फोर्स कितना होता है, वो फोर्स उतना ही होता है जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है, ठीक है। तो ये तो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो देखिए इस प्रिंसिपल के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। जैसे आपने देखा शिप है, शिप को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जो उसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो मिनिमल रहे वाटर के साथ, ठीक है। अब आपने डेंसिटी सुना होगा, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम से डेंसिटी का मतलब क्या है, ये मतलब है कि आप जैसे आपका वेट मान लीजिए 50 kgs है, ठीक है, और आपकी हाइट मान लीजिए 5 feet है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज का पता ये लगेगा कि आपके हर एक फीट के अंदर अगर मैं डिवाइड करता हूँ दोनों को, तो मेरे पास यहाँ से आ जाता है 10 kg per feet, मतलब कि जो हाइट है, ठीक है, उसमें हर केजी पर हर हर एक फीट के ऊपर 1 kg डिवाइडेड है। मतलब जब भी मैं एक एक फीट को काउंट करूंगा तो उसमें आपका 10 kg भी डिवाइडेड होगा। तो ये चीज डेंसिटी बताती है कि आपके कितनी वॉल्यूम के अंदर कितना मास डिवाइडेड है, ठीक है। तो देखिए वैसे ही वाटर की भी वॉल्यूम होती है, जैसे ओशंस होते हैं या फिर सी होता है, उसकी भी डेंसिटी होती है, ठीक है। क्योंकि वाटर का भी वेट है और वाटर के साथ साथ वाटर की वॉल्यूम भी है वेट के साथ साथ, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, ठीक है, तो वो हमेशा सिंक करेगा, मतलब डूब जाएगा, और जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो हमेशा फ्लोट करेगा, ठीक है। तो शिप्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका वाटर के साथ डायरेक्टली, उसकी डेंसिटी पानी से हमेशा कम रहे, ठीक है। ताकि एक तो वो पानी को उसकी शेप ऐसी होती है ईगल शेप नीचे से, ताकि पानी को वो सीधे काटते हुए जाए, ठीक है, उसको स्पीड मिले, ठीक है, और बायोन फोर्स मिले ज्यादा से ज्यादा ताकि वो ऊपर रहे, ठीक है, और उसकी डेंसिटी कम से कम रहे, ठीक है। डेंसिटी कम रहेगी तो वो पानी के अंदर तो सिंक नहीं करेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एक ही कॉक था, ठीक है, ये वुडन कॉक है और एक ही नेल है, ठीक है। नील देखिए दिखने में छोटा था पर इसकी डेंसिटी ज्यादा है इस कॉक से, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा पानी से ज्यादा है तभी ये सिंक करा है, ठीक है। मान लीजिए पानी था, पानी का मास है 2 किलो, ठीक है, और उसकी वॉल्यूम है मान लीजिए सपोज कर लीजिए 10 cm³, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/5, 1/5 मतलब आपका 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.2 kg/cm³ आपकी डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं नेल की मान लो निकालता हूँ डेंसिटी, नेल का मान लीजिए वेट है 10 ग्राम, ठीक है, और वहीं पे जो इसकी डेंसिटी है, सॉरी वो जो वॉल्यूम है इस नेल की, वो मान लीजिए वो है 2 cm³, ठीक है, 2 या फिर 4 मान लीजिए, ठीक है, 2 काट दीजिए 4 मान लीजिए। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 मतलब क्या है इसका, कि हर एक ग्राम के अंदर 2.5 cm³ इसका इमर्ज है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डेंसिटी 2.5 आती है, इसकी 0.2 आती है। तो जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये सिंक कर जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि साइज मैटर करता है, ठीक है, मैटर क्या करता है कि वो चीज एक्चुअल में कितना मास और कितने वॉल्यूम में कितना मास लेके जा रही है। जितना ज्यादा मास लेके जाएगी उतनी जल्दी ये उसके अंदर सिंक करेगी। सो दिस इज ऑल्सो, दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है कि आप किसी भी सब्सटेंस का सब्सटेंस की डेंसिटी देखते हो वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है, वाटर की रिलेशन में आप डेंसिटी उसकी कंपेयर करते हो, ठीक है। सो दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो यूज वेल डिजाइनिंग शिप्स और मे बी डिजाइनिंग अदर अदर ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि जब भी कभी कोई चीज डिजाइन होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि वाटर के अंदर उसको सिंक कराना है या फिर फ्लोट कराना है, ठीक है। अगर सिंक कराना है तो वाटर से कम डेंसिटी रखेंगे, ठीक है, और अगर फ्लोट कराना है तो वाटर से कम रखी जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। हमारे एफर्ट्स की वैल्यू भी हमें वहीं से मिलती है। बाकी आपको पता है कि हम कुछ भी चार्ज नहीं करते आपसे, और जो हमारा कंटेंट है इट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, बिकॉज वी आर गिविंग ऑल ऑफ अवर एफर्ट्स टू प्रोवाइड यू द क्वालिटी कंटेंट। सो प्रिपरेशन मत रोकिए, हम नहीं चाहते कि आपकी प्रिपरेशन के लिए मनी कभी हिंड्रेंस बने, ठीक है। हमारे चैनल पे भी हम हमेशा ये बात करते हैं, जैसे
हमारा यलगार जो इनिशिएटिव है, जो कि आपको पता है कि जिसमें हम पेपर टू राइटिंग के लिए रखते हैं, ये 600 रुपये का बैच है और 10 वीक्स का बैच है। तो अगर आप इसको मेजर करो, ध्यान से देखो, तो 60 रुपये पर वीक पड़ता है आपका, ठीक है। तो इतना सस्ता तो आपको राइटिंग के लिए कहीं बैच नहीं मिलेगा। जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं CPF या CAC के लिए, तो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि मनी कभी भी हिंड्रेंस ना बने किसी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सबके पास, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबके पास इक्वल चांसेस होने चाहिए, और हर जो बच्चा डिजर्व करता है वो अच्छी सर्विसेज में जाए, अच्छी जगह एम्प्लॉयड हो जाए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी वांट। सो वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, वापस देखिए, ठीक है। जितना हो सके आप NCERT को रीड करिए। हमारे जो भी मैं चैप्टर कराता हूँ आपको, उसमें मैं चाहता हूँ, उसमें मैं हमेशा मतलब देखता हूँ कि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए, कुछ भी मिस ना हो उसके अंदर। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल बी कमिंग बैक विद अनदर वीडियो। सो दिस वॉज योर एजुकेटर अंकित शर्मा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।